हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम IG1 का एलिमेंट 3.6 पढ़ेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSW बोलते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन, अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क SSW इज अ फॉर्मल procedure based on a systematic examination of work in order to identify the hazards. It defines safe method of working that eliminate those hazards or minimize the risk associated with them. आप पूछे कोई कि safe system work क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? It's a formal procedure based on a systematic examination of work in order to identify the hazard. ये आप इतना formula उसे बता सकते हैं कि safe system work क्या है। और ये डिफाइन सेफ मेथड, एक हर एक चीज का मेथड बना होता है, हर एक एक्टिविटी के लिए मेथड बना होता है कि कैसे काम करना है। वही हमारा एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, जहां पे रिस्क को ज्यादा ज्यादा मिनिमाइज किया जा सके। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू डेवलप SSW विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड एम्प्लॉय हु विल बी कैरिंग आउट द वर्क। दिस सेफ सिस्टम मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हेल्थ एंड सिस्टम वर्क है, इन्वायरमेंट है, उसे प्रोवाइड किया जाए। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं, उनकी मदद लेकर के और एक सिस्टम बनाया जाए जो सेफ तरीके से काम किया जाए। और देन और उसी को अच्छे तरीके से वो वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। वो क्या है, हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है। SSW are usually developed using the process of task analysis, which involves breaking work down into a series of steps so that hazards can be identified and risk control at each step. Using a technical procedure and behavioral control, once developed safe system work must be implemented and mentioned to ensure continued effectiveness. एक बार यदि आपने SSW safe system of work implement कर दिया, उसके बाद आपको check करने की जरूरत होती है। क्या क्या चेक करने की जरूरत होती है? सिर्फ सिस्टम ऑफ वर्क कितना इंप्लीमेंटेड है, कितना इफेक्टिव है, वो हमको चेक करना होता है। इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, एक बार हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का। अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क SSW इज अ फॉर्मल प्रोसीजर बेस्ड ऑन अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हजार्ड। इट डिफाइन सेफ मेथड ऑफ वर्किंग दैट एलिमिनेट दोस हजार्ड और मिनिमाइज एसोसिएटेड विद देम। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, सेम वही चीज है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है। किसी भी चीज को अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हजार आइडेंटिफाई करना हो, हजार मिनिमाइज करना हो, और अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन आइडेंटिफाई करना है, हजार एलिमिनेट करना, हमारा वही काम क्या है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है। वी कैन आइडेंटिफाई 3 की एलिमेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ SSW। 3 तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं SSW को। पहला क्या है, द SSW इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट एंड आर रिकॉर्डेड इन सम वे। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इसको आपको रिकॉर्ड रखना है। इट्स अ रिजल्ट फ्रॉम अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हजार्ड। इट इज द रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट। जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो उसमें निकल करके जो बातें आएगी वो रिस्क असेसमेंट में, तो वही हमारा क्या है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है। देखिए, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रिस्क असेसमेंट करना, परमिट टू वर्क, हीरा वर्क मेथड स्टेटमेंट, जेएस। तो इस तरह से इंप्लीमेंट करके हम सेफ वर्क सिस्टम हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इट शुड डिफाइन सेफ मेथड, इट इज द सेफ प्रोसीजर ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन। ये सेफ WI आप सुना होगा आपने, वर्क इंस्ट्रक्शन, किसी मशीन को, किसी इक्विपमेंट को हैंडलिंग करने के लिए, चलाने के लिए WI की जरूरत पड़ती है, वर्क इंस्ट्रक्शन। तो वो एक सेफ प्रोसीजर है काम करने के लिए। देन सो सिंपली पुट, द एम्प्लॉयर शुड कैरी आउट अ सिस्टमैटिक रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड नेसेसरी प्रोसीजर, एंड देन फॉर्मली रिकॉर्ड द सेफ वे टू कैरी आउट द टास्क, टेकिंग दिस ऑल इनटू अकाउंट। इसमें एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि हर एक एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट सिस्टमेटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे लेवल का रिस्क असेसमेंट करें, ताकि वहां पे क्लियर हो जाए कि हजार्ड कौन, किस तरह का हजार्ड है और उसे कैसे हमें क्लियर करना है।
एक बार हम देखेंगे इसमें आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. टू बी इफेक्टिव द एसआईडब्ल्यू मस्ट ब्रिंग टुगेदर पीपल इक्विपमेंट मटेरियल्स एंड एनवायरनमेंट इन सच अ वे एज टू क्रिएट अ सेफ वर्क मेथड. एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा मटेरियल जो कि आपको सेफ, एक ऐसा विधि जो कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपको वहां पे इम्प्लीमेंट हो सके, ये कभी संभव है जब आपके पास वो जो चार चीजें हैं पीपल इक्विपमेंट मटेरियल एंड एनवायरमेंट, तभी जाकर के आप बोल सकते हैं पीईएमई होता है इसका शॉर्टकट में, भी याद कर सकते हैं कभी यदि भूले नहीं है इसे. ठीक है, तो पीपल कैसे होना चाहिए, हु इज द एसएसडब्ल्यू फॉर, कौन है सेफ सिस्टम वर्क का जिम्मेदार, व्हाट लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ टेक्निकली एबिलिटी शुड दे हैव, उनके पास किस तरह की क्वालिटी, किस तरह सा कितना नॉलेज होना चाहिए, आर देयर वल्नरेबल पर्सन इन्वॉल्व, क्या उसमें वल्नरेबल पर्सन, यंग पर्सन इन्वॉल्व है, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग ऑन द टास्क, और कितने आदमी काम कर रहे हैं. जब कभी हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे तो ये सब चीजें का हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है. देन इक्विपमेंट, व्हाट प्लांट और इक्विपमेंट विल बी वर्कड ऑन, व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज्ड, किस तरह का प्लांट इक्विपमेंट हमको हमें काम करना है, कैसा इक्विपमेंट हमें यूज करना है, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड, क्या सेफ्टी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, व्हाट आर द हजार्ड एसोसिएटेड विद द जॉब एंड द इक्विपमेंट, और जो टास्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड हजार्ड क्या है, उसे भी हमें आइडेंटिफाई करना है. मटेरियल, व्हाट मटेरियल्स विल बी यूज्ड और हैंडल्ड ड्यूरिंग द वर्क, हमें किस तरह का मटेरियल यूज करना है हैंडलिंग करने के लिए, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ द मटेरियल, क्या खतरा है मटेरियल से, हाउ विल वेस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, किस तरह से मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करना है, एनवायरमेंट, इन व्हाट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट विल द वर्क टेक प्लेस, एग्जांपल स्पेस लाइट एंड टेम्परेचर, माइट एनी ऑफ द एनवायरमेंटल इशू इंक्रीज रिस्क ऑफ नीड टू बी कंट्रोल, किस तरह के एनवायरमेंट में कैसा लाइटिंग है, कैसा स्पेस है, कैसा टेम्परेचर है, किससे आदमी काम कर रहा है, उसके बारे में भी आपको देखना होगा जब हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे. तब जाके हमें ये सारी चीजें जो पीपल है, इक्विपमेंट है, मटेरियल है और एनवायरमेंट है, हमें चेक करने होंगे. देन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू इंश्योर द एसएडब्ल्यू आर अवेलेबल फॉर द ऑल एक्टिविटीज दैट क्रिएट अ सिग्निफिकेंट रिस्क, क्या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हर एक एक्टिविटी का अवेलेबल हो, जस्ट एज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू कैरी आउट रिस्क असेसमेंट of all activities. हाँ, एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि हर एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट करें. SHW become particularly important when significant residual risk remains after control measures have been introduced into work processes. They are also particularly important when the normal control measures present in the workplace are removed. So often happens during maintenance work, cleaning or construction work. SAW should be developed by people with the relevant knowledge, experience, training and skills to understand the work under analysis. This implies that people responsible for SAW development must be competent. In the absence of competence, key hazard may be missed and the key risk not addressed. This might result in a flawed SAW that does not actually control the risk to an acceptable level. ऐसा safe system of work में आपको उससे रिलेवेंट नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप उस पर ट्रेनिंग होना चाहिए, और जो बेसिक एनालिसिस है वो क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सब आदमियों को SHW के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो या चाहे वो कॉम्पिटेंट ना हो, ऐसा ना हो कि वो कोई भी हजार मिस कर जाए. और हमें उस हद तक काम करना है जब तक हजार एक्सेप्टेबल लेवल पे ना आ जाए, तब तक हमें उस लेवल पे काम हमें करना है. नाउ वर्कर इन्वॉल्वमेंट, द कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट वर्क क्लोजली विद द वर्कर्स हु विल बी डूइंग द वर्क, द वर्कर्स इन्वॉल्व शुड टेक एन एक्टिव पार्ट इन ऑल स्टेज ऑफ बोथ द डेवलपमेंट एंड रिव्यूज ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, देयर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड अ वल्नरेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द रिस्क इंक्लूडिंग अनयूजुअल वंस and method of working. They can also contribute by assessing plan and written documentation and provide feedback on the effectiveness of the safe system in practice. जब हम safe system of work implement करेंगे तो ये भी हमें ensure करना है कि क्या जो workers है वो safe system of work से काम कर रहे हैं,
जो कॉम्पिटेंट वर्कर है या नहीं है, जो वर्कर्स हैं वो क्या वो सेफ सिस्टम वर्क में अपना योगदान दे रहे हैं, क्या उसे प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, कितना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ये हमें क्या है कि हमें, और उसको डॉक्यूमेंट भी करना है, जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसका डॉक्यूमेंट भी करना है, और उसे हमें साइट पे क्या है इम्प्लीमेंट करना है, और बीच बीच में हमें इफेक्टिवनेस भी चेक करने हैं। इन्वॉल्वमेंट इन दिस वे एनेबल्स वर्कर्स टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हजार्ड एंड रिस्क एंड ऑफ द वे इन विच द एसएसडब्ल्यू विल मिनिमाइज दोज रिस्क। द एनकरेज ओनरशिप ऑफ एंड अ कमिटमेंट टू सेफ वर्किंग मेथड अमंग वर्कर्स एज मैनेजमेंट हैव इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेज द वर्कफोर्स rather than simply enforcing a procedure they have developed. This can help develop a positive health and safety culture. उसमें हर एक एक्टिविटी में वर्कर्स को क्या करें इन्वॉल्व करें, उनको ओनरशिप दें कि हाँ भाई इस एरिया का आप इंचार्ज हो, इसको आपको देखना है, यदि कुछ इंसिडेंट हो गया तो आपको मैं पकड़ूंगा। इस तरह से थोड़ा बहुत किसी वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हैं तो क्या होगा उसको थोड़ा सा प्राउड फील होगा, और इससे हमारा क्या होगा पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर प्रमोट होगा। डॉक्यूमेंटिंग एसएसडब्ल्यू प्रोवाइड अ प्रिसाइज रेफरेंस फॉर ऑल वर्कर्स एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ मेथड स्पेशली एज द प्रोसीजर में टू बी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड पासिंग इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ इज एन अनरिवर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोन टू एरर। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अ रेफरेंस ऑफ यूज इन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन अ सेफ प्रोसीजर and as most procedure will need to be consulted on more than once occasion, the creation of definitive documentation is a way ensuring consistency whenever the process is carried out. जब कोई process carried out होता है तो उसमें आपको क्या करना है, एक method बनाना है, उसमें क्या करना है आपको information देनी है, training देनी है, instruction देना है, worker को उनके साथ consultation भी करना है, और उनको जो भी हम बात करेंगे वो सब रिटेन में होना चाहिए, और उनके उनका भी मदद ले कंसल्ट करें, उनके साथ भी जब सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करने के लिए उनका भी साथ लें और डेवलप करें। जब सिस्टम वर्क में बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट नोट्स और परहैप्स मैनुअल डिटेलिंग एग्जैक्टली व्हाट स्टेप टेकन व्हेन कैरिंग आउट मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसीजर सच एज कैलिब्रेटिंग एंड सेटिंग अप ग्राइंडिंग व्हील एसएसडब्ल्यू डॉक्यूमेंटेशन कैन बी अकॉम्पैनीड बाय द चेकलिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज टू यू। हमें क्या होता है ज्यादा बड़ा प्रोसीजर कुछ नहीं बनाना है, हमें एक छोटा सा नोट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और ताकि ज्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमें एक ग्राइंडिंग व्हील चेंज करना है, उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाए, बस चेकलिस्ट बना के वो एम्प्लॉयज क्या है फिल करेगा, और फिर ग्राइंडिंग व्हील चेक करेगा और फिल करेगा, बस इतना ही करे। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा यदि प्रोसीजर हो जाएगा तो वो चेक नहीं करेगा और ऐसे अपना जो अनसेफ प्रैक्टिसेस है वो करना चालू कर देगा। एज एस टू इंश्योर दैट ऑल द करेक्ट स्टेप आर टेकन एंड टू टिक ऑफ डिटेल बिफोर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट स्टेप आर स्टार्टिंग ऑपरेशन रिटन एसएसडब्ल्यू आल्सो एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड दैट कैन बी ऑडिटेड एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयर विद अ रिटन रिकॉर्ड व्हिच मे बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल रीजन सच एज इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग एनफोर्समेंट एक्शन। जो चीज हम वर्कर से बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, जो प्रोसीजर बनाएंगे, WI देंगे, चेकलिस्ट देंगे, वो सब चीज रिटेन में होना चाहिए। वो रिटेन हमें लीगल की वजह से काम आ सकता है, लीगल रीजन की वजह से यदि एक्सीडेंट इंसिडेंट या कुछ एनफोर्समेंट एक्शन होता है, कोई लीगल एक्शन होता है, उस टाइम आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो सब चीज रिटेन में होना चाहिए। टेक्निकल प्रोसीजर एंड बिहेवियर कंट्रोल। टेक्निकल प्रोसीजर और बिहेवियर कंट्रोल कैसे करना है। ISSW will involve on the elements of control that we identify earlier in the general hierarchy control. हमने ऑलरेडी अभी SSW को थोड़ा सा लिटिल बिट हमने पढ़ा है टेक्निकल सॉरी हायरार्की कंट्रोल में क्या क्या है। एक तो है टेक्निकल कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल, ये जो तीन चीजें हैं इस तरह से हम SSW में कंट्रोल कर सकते हैं। अप्लाइड डायरेक्टली टू द हजार्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क, ये टेक्निकल कंट्रोल है, ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए। दिस में इन्वॉल्व फेंसिंग और बैरियर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोलेट वर्कर फ्रॉम हजार्ड एज फॉर पॉसिबल आर सिक्योरिटी डिवाइसेस बिल्ट इन इक्विपमेंट टू स्टॉप इट ऑपरेशन इफ देयर इज फॉल। प्रोसीजर कंट्रोल,
the way in which work should be carried out in a relation to the hazard, they will specify the objectives involved, the their sequence and the safety actions and checks that have to be taken off and procedures relate to the correct operation or technical controls. आप प्रोसीजर के कंट्रोल भी कर सकते हैं, यदि जो प्रोसीजर एक के बाद इस तरह सीक्वेंस में लगा करके उसे काम कर सकते हैं. बिहेवियरल कंट्रोल, हाउ द इंडिविजुअल वर्कर्स एक्ट इन रिलेशन टू द हजार्ड, दे इंक्लूड जनरल पॉइंट्स ऑफ गुड प्रैक्टिस इन द वर्क प्लेस, एग्जांपल गुड हाउसकीपिंग एंड स्पेसिफिक मेजर्स सच एज द यूज ऑफ पीपीज. बिहेवियर कंट्रोल कब होगा कि सब एक आदमी अपने एरिया का स्टेशन का हाउसकीपिंग कर रहा हो, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया गया हो वो अच्छे तरीके से यूज कर रहा, वो क्या हमारा बिहेवियर कंट्रोल है. आई बी नोटेड हियर इन द सेक्शन ऑन द रिस्क असेसमेंट, अभी हमने नोटेड किया था रिस्क असेसमेंट में, टेक्निकल कंट्रोल्स आर प्रेफरेबल टू प्रोसीजरल वंस व्हिच इन टर्न्स आर प्रेफरेबल टू बिहेवियर वंस. एक बार हमने उसको प्रोसेस कर दिया कंट्रोल के माध्यम से, वो क्या होता है धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में आ जाता है. दिस इज बिकॉज बिहेवियरल कंट्रोल्स हैव अ वेरी हैवी रिलायंस our personal behavior, where the technical control do not require people to do the right thing in the right circumstances all the time. और ये एक बार हमने implement कर दिया तो एक practice में आ जाएगा और ये हर एक time वही चलता रहेगा. अब बात आता है कि safe system आप develop कैसे करें, तो वो देखेंगे. As a part of the planning process, SAW are developed by task analysis prior to work commencing. The task analysis is the process of breaking a job down into component step and then identify the hazard associated with each step. The safe working method can be identified to deal with each hazard. Safe system of work कैसे develop कर सकते हैं? जो चीज हम risk assessment करेंगे, जैसे करेंगे, work method statement में जो भी हजार लिखा हुआ है, उस पे हर हम एक अच्छे तरीके से हम command करेंगे, तभी जाकर के हम safe system of work एक develop कर सकते हैं. और दूसरी चीज है task analysis. Can you remember what the abbreviation SRIDM appears? SRIDM आपने पढ़ा था ना? Select the task, review, equipment, या develop. उस तरह से हमने SRIDM पढ़ा था. We explained it earlier when on when we discussed hazard. जैसे कि select the task, record the step by stages of the task, evaluate the risk associated with each step, develop the safe system of work method. Implement the safe working method, monitor to ensure it is effective. जो 3DM है, इसके through आपको काम करना होगा, हर एक task को 3DM के through हमें काम करना है, तभी जाकर के हम एक safe system of work develop कर सकते हैं. So for example, example के लिए, a vehicle breakdown and recovery company might perform task analysis on the job of changing the wheel on a customer's car. एग्जाम्पल के ले लो, कोई गाड़ी है ब्रेक डाउन हो गई है और उस पर जाके काम करना है, व्हील चेंज करना है किसी कस्टमर का, तो हमें एनालिसिस करने की जरूरत है. दिस एनालिसिस माइट आइडेंटिफाई द की स्टेप द टास्क है, वो जो टास्क है उसमें एक्टिविटी है, हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है. स्टेप वन, पार्क ब्रेक डाउन व्हीकल, पहले ब्रेक डाउन व्हीकल को पार्क करें. दूसरा, रिमूव फॉल्टी व्हील, देन फॉल्टी व्हील को रिमूव करें. तीसरा स्टेप, फिट स्पेयर व्हील, जो स्पेयर व्हील है उसको फिट करें, देन लीव, फिर जाए. ये जब कभी आपका जो कार है, कार का कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है तो रोड पे सबसे पहले आपको चार स्टेप देखने हैं, तभी जाकर के हमें आगे बढ़ना है. देन रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दिस स्टेप वुड देन बी इवेल्युएटेड. फॉर एग्जाम्पल स्टेप टू, one of the risk identified might be movement of the customer's car after it has been raised up, causing it to collapse. Being stuck by passing traffic might be another risk. Essentially, this is the risk assessment process applied during the planning stage of the job. जब हम job start करेंगे, planning stage of the job, जब हमें start करना है, ये सारी चीजें तभी हम देखेंगे. जो चार चीजें हैं, जब हम job start करेंगे, ये तभी हमें risk analysis करना है कि ऐसा जहां हम काम कर रहे हैं क्या वो safe है, तो हमें एनालिसिस करके काम करना है. इंट्रोड्यूसिंग कंट्रोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर, एक हम बताते हैं कि कैसे कंट्रोल को, कंट्रोल के ऊपर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, देन उसको किस तरह से एक अच्छे तरीके से हम उसको प्रोसीजर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वंस द रिस्क हैव बीन इवैल्यूएटेड, एक बार हमने रिस्क समझ गया, द एप्रोप्रिएट सेफ वर्किंग मेथड कैन बी डेवलप्ड. हम
एक बार हम रिस्क समझ गए ना, तो फिर हम जा करके सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कर पाएंगे। यदि हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क सॉरी जो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे क्या हजार्ड है, फिर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इन अवर एग्जाम्पल वन ऑफ द कंट्रोल शुड बी फॉर द वर्कर टू चेक दैट द कार हैंड ब्रेक हैज बीन फॉर्मली अप्लाइड एंड दैट द हैंड ब्रेक एक्चुअली वर्क। अनदर वुड बी द वर्कर्स टू वियर हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग एट ऑल टाइम। हाई विजिबिलिटी जो रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है, सेफ्टी जैकेट होता है, वो पहन करके रखें जब कार कभी खराब होता है या पार्किंग आपको करना है या डायरेक्शन देना है। इम्प्लीमेंटिंग द SSW इज ऑफन मोर प्रॉब्लमेटिक द डेवलपिंग सेफ सिस्टम वर्किंग मेथड बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स वर्कर टू अडॉप्ट द न्यू वर्किंग प्रोसीजर and use the all identify control. We noted earlier that people behavior can be difficult to control. One way of overcoming or minimizing this difficulty is to consult with the involved workers in the development process so that they are able to raise objection and concern at an early stage. They then have some ownership of the new method. Ek alag tarike se kya hai ki अभी हमने जस्ट हमने बिहेवियर कंट्रोल के बारे में पढ़ा, पीपल के बिहेवियर के बारे में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनसे बात करना, बिहेवियर रिस्यूम को पीपीस इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा टफ होता है, बट आपको ओनरशिप लेना होगा हर एक मेथड के लिए। ओनरशिप लेकर के हमें क्या करना है, उस प्रोसीजर को फॉर्मुलेट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। देन आपका अगला स्टेप आता है इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। अ की स्टेप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी सेफ वर्किंग मेथड इज द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। In some cases, if the worker have the competence to interrupt and correctly follow new method, simply informing them of changes to existing method will be sufficient in the instances. Detailed theoretical and practical training will have to be provided to ensure that workers understand can apply a safe working method. कोई भी work, कोई भी task start करने से पहले जो भी employees है उसे हमें क्या करना है, instruction और induction करना है, instruction देना है, training करना है और supervision करना है, तभी जाकर के हम सिर्फ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग, उनको मॉनिटरिंग कैसे करना है। द लास्ट स्टेप ऑफ द टास्क एनालिसिस प्रोसेस इज मॉनिटरिंग। वंस द सिर्फ सिस्टम वर्किंग मेथड हैज बीन पुट इनटू प्लेस इट शुड बी चेक्ड पीरियडिकली। दिस इज टू इंश्योर दैट, आपको इंश्योर करना है द न्यू सिर्फ वर्किंग मेथड इज बीन करेक्टली फॉलोड एंड अप्लाइड। इफ इट इज नॉट देन सुपरविजन मस्ट बी इम्प्रूव। यदि सिर्फ वर्किंग सिस्टम अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको क्या इंप्रूव करना है, सुपरविजन आपको इंप्रूव करना है। द न्यू मेथड इज इन फैक्ट सेफ इट इज नॉट देन इट विल हैव टू बी रिव्यूड एंड अमेंड अकॉर्डिंगली। यदि वो इफेक्टिव नहीं है, यदि सही से काम नहीं कर रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो आपको उसको रिव्यू करने की जरूरत है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हेन डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। आपको ये चीज कंसिडर करना है जब हम डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे, हमें कंसिडर करना है क्या, what is the task being undertaken, kya task diya ja raha hai, analysis can be provided through job safety analysis, the predictive method mentioned earlier, what equipment and materials are required for the task, these will present their own hazards which need to be controlled, who will carrying out the work, how many people are working, what is their experience knowledge level, are there vulnerable persons, what are the hazards associated with the job, what controls are recommended by the manufacturer, what emergency provision is in place, are the controls measure adequate, are additional control needed, how will the system of work be monitored। So ye sab jab hum safe system of work develop karenge to ye sari cheezon ka hame dhyan dene ki zarurat hai, tabhi ja kar ke hamara safe system of work develop ho sakta hai। Ab SSW se kuch questions hai uske bare mein dekhenge। Define the phrase safe system of work। Safe system of work ka define phrase define karna hai। How does involving workers in the develop of safe system of work contribute the strengthen the health and safety culture, what the difference between technical procedural and behavioral control, kya difference hai, why do not instruction training and supervision from part of the safe system of ka why do instruction kyun instruction training supervision zarurat hai safe system of work ka ek part hai, kya zarurat hai, kya wo karan hai। To dosto सेफ ऑफ सिस्टम खत्म हो गया, अपना एक अलग से टॉपिक बचेगा परमिट टू वर्क जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।